हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टी टी एंड में, और मैं हूं आपका दोस्त भोला कुमार देवघर झारखंड से। दोस्तों, आज देखेंगे फिर से हम रेलवे का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस सेशन का पहला क्वेश्चन आज से हम लोग आज का पहला सेशन का क्वेश्चन आज आप लोग के बीच में बोला कि 1973556428 का औसत ज्ञात करना। बस सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको औसत मतलब क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में जितना भी संख्याएं हैं, कितना दिया हुआ आपका 1973556428 यही दिया गया आपको, ठीक है। तो इसको करना क्या होता है, इसका औसत यानी कि एवरेज, ठीक है। औसत चैप्टर सारा चीज़ हम पढ़ाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन आज हम अभी कंटिन्यू मेरा चल रहा है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का, ठीक है। तो चलिए हमको इसको बनाना है। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक समान रूप से, ठीक है, यानी कि बराबर हिस्सेदारी में औसत यानी इतना एवरेज में चल रहा है। तो उसी प्रकार से सब किसी को एक मिला है तो किसी को नौ मिला है, ठीक है, किसी को सात मिला तो तीन की पाँच छः ऐसे करके मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग एवरेज निकालना कि बराबर भागीदारी में कितना कितना होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे करना है हमको, बस औसत बोले जितना भी संख्या है, ठीक है, जितना भी संख्या दिया हुआ है उसको सबको जोड़ना है। उसके बाद जितना भी संख्या इसको अंक में गिनना है, ठीक है, तो गिनने के बाद जो आएगा उससे हम लोग डिवाइड दे देंगे, उससे हम लोग औसत निकल जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे मेरा टोटल आ जाएगा 8 2 10, फिर 14 14 26 हो गया, 25 30 33 37 हो गया, 40 और 1 9 39 मतलब 49 एक 50, यानी कि टोटल जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा है, इसको 50 आ रहा, ठीक है, कितना आ रहा 50। तो 50 आएगा। उसके बाद हमने क्या बोला अभी कि जितना संख्या है जितना गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 है। तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, 10 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर जो आएगा मेरा यानी कि 5 आएगा मेरा औसत, यानी कि प्रत्येक को हम लोग क्या बांटेंगे, यानी कि बांटना नहीं, हम बांटने को बोल रहे हैं कि बांटा जाता है, किसी को बांटा नहीं, लेकिन प्रत्येक को क्या औसत बोलेंगे, तो 5 5 5 5 करके सबको बांटा जाएगा, ठीक है, यही औसत हुआ। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि माता पिता तथा दो बच्चे की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु क्या, ये भी औसत का ही आ गया, यानी कि दो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हमको भी औसत पूछा गया है, तो क्या पूछा गया, माता पिता जितना भी परिवार है उसका औसत आयु क्या, औसतन आयु हमको निकालना है। तो उसमें देखिए हमको दिया कि माता पिता यानी कि माता प्लस पिता का औसत आयु मेरा कितना दे दिया है, मेरा दे दिया गया है आपका 30 वर्ष, ठीक है, और दो बच्चा है, ठीक है, दो बच्चा यानी कि दो बच्चा को कितना दिया है मेरा औसत, दे दिया आपका 8, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसको करना क्या होता है, सिंपल सा, जितना औसत आप देख रहे हैं कितना सदस्य है, 2 सदस्य, तो इसको 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इसमें भी 2 सदस्य है, 2 बच्चा है ना, तो इसको भी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 30 दुना 60, फिर इसका कितना 8 दुना 16, ठीक है। तो परिवार का औसत आयु पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल हमें जितना भी है परिवार का औसत आयु प्लीज जोड़ेंगे, ठीक है, कितना हो गया 6 हो गया, 1 6 1 7 हो गया, 76 हो गया। उससे बाद करना क्या होता है, हमने क्या बताया इससे पहले क्वेश्चन में, जितना संख्या उसको जोड़ करके डिवाइड करना होता है। तो करना क्या है, देखिए 2 सदस्य यहाँ हो गया, माता पिता 2 बच्चा, कितना हो गया 4 बच्चा हो गया, तो 76 टोटल आया ना मेरा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो भी आंसर आएगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए हम लोग को, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 9 36 यानी कि 19 आपका आंसर हो जाएगा, 19, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। तो चलिए पूरा वीडियो के अंत तक देखिए, तभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आप क्या होगा इसे प्रैक्टिस कर सकें, हमसे भी अगर स्क्रीन पर तो पहले आ ही रहा है क्वेश्चन, आप देख कर भी बना सकें। हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन आएंगे बहुत जल्द, 2-4 दिन के अंदर से चैप्टर भी एक टाइम में चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लास चलेगा,
और प्लस लेके हम आ रहे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं उसी प्रकार से हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करें। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि 4 बच्चा है और सबका अंतराल कितना है मेरा दिया गया है, सबका अंतराल दिया गया है मेरा 4 वर्ष का, ठीक है, यानी कि 4 वर्ष का अंतराल में 4 बच्चा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो कि पहला बच्चा एक्स था, ठीक है, इसका 4 साल अंतराल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर बोलता है कि इससे अंतराल में रहेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा, 4 साल का अंतराल रहेगा, फिर क्या रहेगा, एक्स प्लस 12 हो जाएगा। क्यों 12 लिखे हैं, क्योंकि 8 से 4 साल ज्यादा होगा इसका भी, तो 12 होगा, ठीक है, 12 होगा। उसके बाद क्या बोलता है कि तीनों का योगफल, यानी कि तीनों को जोड़ दीजिए आप, ठीक है, तीनों को ऐड कर दें तो मेरा कितना हो जाएगा, 48 हो जाता है, यानी कि 48 दिया गया आपका क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है कि सबसे छोटी का आयु क्या होगा, या फिर जो भी है, हाँ सबसे छोटा का। तो देखिए इसमें करना क्या होगा, जितना भी संख्या है जोड़ लीजिए, 12 8 20 हो गया, 20 8 24 हो गया, यानी कि 24 हो गया, अरे x x को अलग जोड़ लीजिए, यानी कि x में हम लोग संख्या को नहीं जोड़ सकते, x अलग हो गया और संख्या अलग हो गया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए संख्या को जोड़ लीजिए, तो 12 x 24 हो गया, ठीक है, अगर x में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि प्लस में 4x, तो 4x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आराम से बेसिक के साथ समझा रहे हैं दोस्तों, इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो एक स्टेप में डायरेक्ट हम लोग 48 में 24 घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, बराबर का इधर जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 4x बराबर घटाएंगे यानी कि 48 में 24, तो कितना हो जाएगा मेरा, 24 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 24/4, 4 से 24, सबसे छोटा का ही मेरा x बराबर निकला, जिसको सबसे छोटा भी हम मान माने थे, तो सबसे छोटा का कितना हो गया, 6। हमको इतना लिखने का मतलब यह था, जो बेसिक से भी जो जानना चाहते हैं जितने भी भाई हो, तो इसलिए हम लोग लिख भी देते हैं ताकि उसके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोल रहा है कि 16 24 का मौसक ज्ञात करें, यानी कि SCF और लॉस ऑफ LCM ज्ञात करें, यानी कि 16 और 24 दिया गया है, ठीक है, 16 और कितना दिया गया है आपका, 24। इसका बोलता है SCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसके बाद LCM, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, पहले SCF अगर हम लोग निकालते हैं तो SCM को क्या करते हैं हम लोग, कि जितना बड़ा सा संख्या से भाग लग जाए उसी को हम लोग SCF करते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं, छठा जाएगा तुरंत, सॉरी बोल रहा है कि देखिए ऑप्शन में, पहला ऑप्शन नंबर दिया गया 8 48 4 12 2 24 और 4 48। अगर हम 16 और 24 को काटते हैं, महत्तम समा महत्तम के मतलब बड़ा से बड़ा संख्या जो कटे उसको हम लोग SCF करते हैं। देख रहे हैं यहाँ 8 से हम लोग कर रहा है 16 और 24, 8 9 16 8 24, ठीक है, उसके देख रहे हैं कि उससे बड़ा कोई संख्या है भी नहीं जो 8 से कटे, 4 से तो कटेगा, फिर 4 2 से कटेगा, लेकिन हम लोग को 2 कम से कम संख्या नहीं लेना है, महत्तम समा महत्तम जो अधिक से अधिक बड़ा जो संख्या रहे उसे अगर डिवाइड हो जाए उसी को हम लोग SCF करते हैं, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर, इससे पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि 8 से दोनों कट रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे डायरेक्ट हम लोग पता कर लें, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरा, ए। अगर LCM भी निकालते हैं तो 48 से पूरी भागा डिवाइड भी हो जा रहा है 48, ठीक है, तो 24 9 48 16 48, ऐसे भी पता चल रहा है, बस एक को पकड़ना हमको तो एग्जाम में क्या करना, फास्ट बनाना, हमको तो पूरा डाटा लेकिन ही बना देना कि ऐसे बनता है, ऐसे हमको दिखाना नहीं, बल्कि हमको ऑप्शन चूज करना, तब करेक्ट आंसर पता करना होता है कि क्या सही होता है। तो हम लोग को पता चल गया ऑप्शन नंबर क्या, ए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, दिया गया है कॉस स्क्वायर 90, ठीक है, प्लस में कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, बराबर वाट। अब देखिए इसको करना क्या होता है, ठीक है, इसमें यही करना होता है, बस इसमें मान याद रखिए, आंसर मेरा पुट हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0, क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, या फिर टेन 45 डिग्री का मान भी होता है 1।
तो वन का स्क्वायर करेंगे फिर से क्या हो जाएगा वन। अब देखिए प्लस माइनस में खत्म हो गया बराबर जीरो, ठीक है आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों जीरो, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी नंबर, ठीक है समझ में आया होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है चलिए देखते हैं। बोला कि के एक राशि एक वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर से 3% बढ़ा दी जाए जो कि 120 रुपये बनी, यानी कि 3 रुपया अगर परसेंट दर पे बढ़ा दिया तो उसका कितना बन गया 120 रुपया, ठीक है। तो बोलता हूँ मूलधन की राशि ज्ञात करें, सिंपल था दोस्तों, टोटल ब्याज कितना बढ़ा 120 जो बढ़ा कितना बढ़ा 3% बढ़ा तब ना 120 आया, तो कितना साल में एक साल में, तो 3 गुना में 1 3 हो जाएगा, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे और मूलधन में लाने के लिए इसको क्या करेंगे 100 से करना ही होगा, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा बल्दी इसको करिए सॉल्व, मेरा मूलधन पता चल जाएगा, ठीक है 3 चौके 12 बराबर 40 गुना में 100 कितना हो जाएगा मेरा बराबर 4000, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है, बोल रहा है कि एक व्यापारी ने 10 किलो चाय 400 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी, उसने आधी मात्रा 20% हानि पर और शेष 10% लाभ पर बेच दी, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या था। दोस्तों इसमें देखिए बनाने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है तो हम अपना तरीका से बताएंगे। तो बोल रहा कि एक व्यापारी ने 10 किलो चाय 400 रुपये किलो, इसको हमको कोई कुछ करना ही नहीं क्योंकि हमको सिर्फ पूछ रहा है यहाँ परसेंटेज, तो परसेंटेज पूछ रहा है एक नया तरीका से हम लोग बताएंगे। तो सिंपल सब सिर्फ हमको क्या करना परसेंटेज को ही लेना है, बाकी बात कहानी खत्म कर देना है, ठीक है। करना क्या बोलता है कि आधी, ठीक है आधी मात्रा यानी कि आधी मात्रा, माना कि कोई कीमत x है तो इसका आधी करेंगे कितना 1/2 होगा ही मैं कन्फर्म है। तो बोलता है आधी मात्रा 20% हानि पर, ठीक है 20% हानि पर मतलब 20% हानि माइनस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 20% हानि हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि और शेष जो है 10% बेचने पर क्या होता है 10 शेष जो मतलब आधी जो बच जाता है तो शेष 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है यानी कि शेष आधा तो दे ही दिए तो आधा क्या बचेगा मेरा शेष बचेगा कि नहीं 10% लाभ पर बेचता है, प्लस प्लस का चिन्ह नहीं देंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ये 10 बार में कट जाएगा माइनस तो यही रहेगा, फिर ये 5 बार में कट जाएगा तो प्लस यहाँ है, तो यानी कि -10 + 5 -+ -, तो घटाएंगे -5 यानी कि -5 का मतलब यह होता है दोस्तों हानि, यानी कि 5% की मेरा क्या हुआ हानि हुआ, ठीक है। आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है क्या सिंपल सा सॉल्व करने का क्वेश्चन है, वाई में दिया है वाई इंटू ब्रैकेट में दिया है कि वाई पर स्क्वायर थी वाई पर पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि वाई बराबर 5 हो, ठीक है। तो इसमें करना क्या सिर्फ 5 का मान रख दीजिए मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दिया गया है देखिए वाई की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 5, डायरेक्ट हम लोग बैठा ही देते हैं 5, उसके बाद फिर 4 है तो 4 देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है, ठीक है 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 5, बस इसको ही तो सॉल्व करना है हमको। तो इसको सॉल्व क्या करना है देख रहे हैं कि यहाँ 5 5 5 ही है, तो 1 5 को और कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, यानी कि ये 5 तो है ही है, ठीक है फिर इसको एक कॉमन ले लेंगे 5 बाहर कर देंगे, कॉमन का मतलब डिवाइड लगना, ठीक है एक 5 बाहर कर लिया यानी कि एक पावर तो कम हो ही जाएगा, यानी कि 5 पर पावर कितना जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 5 है फिर 1 5 चल जाएगा तो 5 पर पावर 1 बचेगा यानी कि सिर्फ 5 ही होगा, ठीक है और माइनस क्या हो जाएगा 5 5 कटिए जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या करना है 25 25 बस मल्टीप्लाई में, अब 5 का क्यूब मतलब क्या 25 25 25 125 यानी कि 125 हो जाएगा इसका, ठीक है 125। अब फिर यहाँ कितना है इसको ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट में लेते हैं, उसके बाद यहाँ कितना माइनस है 5 है यही है। अब देखिए ये करने पर क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ तो ये खत्म हो गया, अब खत्म हो गया तो यहाँ एक -1 बचा भी है यहाँ है कि नहीं, इसको छोड़ना थोड़ी ना है, यानी कि 25 हो जाएगा, फिर 125 में माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि -6 जोड़ देंगे, यानी कि ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट 125 - 6 कर सकते हैं। अब इसको घटाइए 5 घटा दिए 120 1 घटा देंगे 119 हो जाएगा, यानी कि हम लोग 25 गुना में
19 करेंगे, इसको गुना करने पर जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको गुना कर लीजिएगा, सिंपल सा है, 25 गुना से 119 कर दीजिएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना करके देख लीजिएगा, तो गुना करके देख लीजिएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, उसको 25 नंबर हो जाएगा, 25 नंबर 225, ठीक है। तो इसका हम लोग 75 ऑप्शन नंबर मेरा आपका हो जाएगा, सॉरी 29.75 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुना कर दीजिएगा 29.75, गुना करके भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का लॉस और एलसीएम मतलब क्या है, लॉस दिया गया है, 66 दिया गया है, ठीक है, 66 दे दिया, क्या है लॉस तो दिया है, यानी कि एलसीएम यही दिया है। बोलता कि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें, बस संख्याओं का इसका जो योग दे दिया है 2:3 दे दिया है, तो बोलता है संख्याओं का योग ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका एलसीएम दे दिया इतना है, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम निकालना हमको, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 अनुपात का मान हमारा दे दिया कितना, 66 दिया है, तो अनुपात 1 का मान बराबर कितना हो जाएगा, 11:66। अब बोलता है कि जो संख्या निकला हुआ है ये सब, 1 का मान तो निकल गया, अब बोलता है कि जो संख्या 2 और 3 है उसका योग ज्ञात करें, यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं 11 दुना 22 11 3 33, 22 और 33 को भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको जोड़िए 3 2 5 और 5 गुना में कितना, 11 11 5 55, जो भी कर सकते हैं आपके हैंड में है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्या करा रहे हैं हम, एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी है, इसलिए क्वेश्चन को जितना भी हम लोग हल करा सकें आपके बीच में तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़ाना ही है, जो जल्दीबाजी में हमको तैयारी करना तो हमको सेट ही मारना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोला कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 34 है, 2 धनात्मक पूर्णांक का योग, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना दिया है, 34 दिया है। अब बोलता है उनका अंतर भी, यानी कि उनका अंतर 8 है, कितना, ए माइनस बी का अंतर मेरा 8 है, तो बोल रहा है उनके गुणनफल का पता कीजिए, यानी कि ए और बी जो निकलेगा उसका गुणनफल कर देना है, मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा दिख रहा है, ए प्लस माइनस खत्म हो गया, यानी कि 2a बराबर कितना जाएगा, यहाँ जोड़िएगा 34 और 8 6 हो जाएगा कितना, 40 और 2, यानी कि आपका हो जाएगा 42, ठीक है, 42 हो जाएगा, 8 4 12 3 1 4। तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कार्य कितना, a बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 41, यानी कि a का मान मेरा 42 आ जाएगा। तो a का मान 42, तो b का भी मान पता चलिए जाएगा 34 में, ठीक है, कैसे b आ जाएगा, तो डायरेक्ट देख सकते हैं, चलिए थोड़ा ले जाते हैं आपको, a का मान मेरा कितना है, 21 लिख सकते हैं, प्लस b का मान मेरा निकालना है, तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 34 माइनस में 21, तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 में 1 गया 3, उसके बाद 3 में 2 गया 1 13, ठीक है। इसलिए हमको कर देते हैं, इसलिए करते हैं ताकि कोई भी जो समझ पा जाए, डायरेक्ट हम घटा सकते थे, यहाँ 34 में 21 घटा सकते थे, आप कैसे घटा दें, ऐसा थोड़े ना है, जो नहीं जाने तो उसको समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, ठीक है, जो जानते हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बी बराबर 13, अब ए बराबर 21 आ रहा, तब बोलता है इसका गुणनफल क्या होगा, यानी कि ए गुना का बी, यानी ठीक है, ए बराबर मेरा 21 हो गया और बी बराबर 13, इसका गुणनफल जो भी आएगा मेरा आंसर हो जाएगा, 13 कम 13 हाथ में बच गया 1, 13 9 26 और 1 कितना हो गया, 27, 273 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आता होगा दोस्तों, तो ठीक है चलिए और कुछ क्वेश्चन चुनिंदा हम लोग लेते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोला कि एक आयत की एक भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस एक आयत है, ठीक है, एक आयत हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इसका बाद दिया गया है एक विकर्ण दिया गया है, इसको विकर्ण बोले जाते हैं, जो बीच में बीच चल जाए, खूब विकर्ण बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। ये 13 मीटर दे दिया है, आई 12 मीटर दिया है, ठीक है। तो बोलता है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हमको लंबाई और गुना को, लंबाई और चौड़ाई की हम लोग को पता करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो हम लोग लंबाई और गुना जो है चौड़ाई को हम लोग पता करेंगे कैसे, हमको तो लंबाई या चौड़ाई एगो दिया गया है, ठीक है, हमको निकालना है क्या, इस भाग को, ठीक है।
तो बस इस भाग को निकालना है, तो हम लोग करना क्या है, बस एक भुजा तो दे ही दिया है, ठीक है, तो दूसरा भुजा निकाल लेंगे तो मेरा आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो देखिए विकर्ण दे दिया है, यानी कि हम लोग देख सकते हैं ये 12 ये 13 इसका मान निकाल जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग पता चल जाएगा। तो हम लोग को पता करने के लिए क्या करना होता है, या फिर क्या करते हैं 12 5 हो सकता है क्योंकि माइल में थोड़ा रखना होता है, इसलिए रखना पड़ता है। इस दोनों का स्क्वायर करके, ये दोनों को भी स्क्वायर करके जो फल होता है उसको जोड़ करके जो आता है उसके इसके बराबर, यानी कि इसका सॉरी ये दोनों का नहीं बल्कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होने के बाद दोनों को जोड़ करके इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं बराबर 44 से 25 25, 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 किसके बराबर होता है, किसके स्क्वायर के बराबर, तो 13 के बराबर होता है। लेकिन हम लोग अगर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं जो जो बच्चे, तो इसको हम लोग देख सकते हैं ऐसे निकाल सकते हैं सीधा सीधे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जब भी निकालना हो या फिर इसको बोल सकते हैं कर्ण लम आधार, तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता था, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक है। इसका 44 हो जाएगा तो रूट में घटाएंगे कितना हो जाएगा 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जितना कैलकुलेटिव फास्ट होगा तो उतना फास्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप पता चल गया लंबाई चौड़ाई पता चल गया, तो 12 गुना में 5 कर देंगे, यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है मेरा, आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, एल गुना में बी, यही होता है। तो बस एल हो जाएगा 12 गुना में 5 हो जाएगा, बरपंचे 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब भी क्षेत्रफल निकलता है वो स्क्वायर में निकलता है, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जो कमेंट भी कीजिए ताकि हमको पता चले कि अच्छा लगे आप लोग लग रहा है, तो हम लोग भी और क्या होते हैं मोटिवेट होते हैं कि और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के बीच में लाते रहें। तो चलिए इसी वीडियो के अंत तक हम लोग क्या करते हैं, इसी वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।